हेलो यूट्यूब, तो आज हम ये करेंगे कि मेरे पास ये कुछ कार्बाइड है, आप देख रहे होंगे ये कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड, और इसको मैं इस बोतल में जो है डालूँगा तोड़ के, और उसके बाद इसमें जो है सो पानी डाल कर जो है सो इस बोतल को ब्लास्ट करूँगा। आपको प्रोसेस पता होगा, हो सकता है कि कार्बाइड जब पानी से मिलता है तो वो क्या कहते हैं, इथिलीन गैस रिलीज करता है और वो इस बोतल को जो है सो ब्लास्ट कर देगा प्रेशर बना के। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो चलिए कुछ कार्बाइड इससे निकाल लिया जाए। उसके बाद मैं इस कार्बाइड को तोड़ के धीरे धीरे इस बोतल में डालूंगा। भाई लोग, तो इसका जो है आप देख सकते हैं कि बोतल तो ब्लास्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोतल पूरा फूल गया है और साथ में ये यहाँ पे फट गया है, यहाँ पे फट गया है। इसके कारण ओहो, अब मुझे नहीं लगता कि ये बोतल ब्लास्ट होगा, ये फट गया है और यहाँ से निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तो ये ब्लास्ट नहीं करेगा, तो अब मुझे इसका ढक्कन खोल देना चाहिए। आप सुन सकते हैं इधर से गैस निकल रहा है, तो वैसे ये फटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कमज़ोर था इसलिए यहाँ पहले फट गया और बोतल ब्लास्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है, इसके अंदर गैस बन रहा है एकदम से। आप देख सकते हैं ये उबल रहा है एकदम से। तो मेरे ख्याल से पहले जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, पता नहीं उनका बोतल कैसे ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये तो फट गया लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ। तो हो सकता है इससे आपको सीखने के लिए कुछ मिल गया हो कि बोतल प्रेशर बढ़ जाने के बाद जो है सो फट जाता है और ब्लास्ट नहीं होता है।
देख सकते हैं कार्बाइड का टुकड़ा है, बहुत सारा बोतल खाली हो गया। तो इसी के साथ धन्यवाद, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।